श्री यमुना मैया की। जैसे लग रहा रियल में है। हाँ, उनके हाथ पैर सब हिल रहे हैं। वो राम भगवान ने वो सबरी के बेर खाए थे, वो सब बेर रखे हुए हैं, कटोरी रखी हुई है। हाँ, वो सब। तो हम अभी आ चुके हैं ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पे, और हमारे साथ हमारे फ्रेंड जो है वो अभी आ रहे हैं, पीछे हैं दोनों लोग। और अभी हम जा रहे हैं मथुरा के लिए, और हमारी ट्रेन है 10:47 पे। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, और चलिए चलते हैं। और पहली बात, कोई भी आए यहाँ घूमने तो सबसे पहले 2 या 3 लीटर का बोतल लेके आना पानी की बोतल लेके आना। बहुत प्यास लगती है, चलना बहुत पड़ता है। अरे उसमें क्या हुआ, पानी की बोतल इसलिए लेके आना कि जो हम लोग थे पानी की बोतल लिए नहीं थे, बट थक गए। फिर उसके बाद ऊपर पानी मिला तो फिर पिया, बहुत थक गए थे। बहुत रिलैक्स मिला जब पानी पिए तो, क्योंकि बहुत थक गए थे, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, ऊंचाई पे था, और फिर जब नीचे उतर रहे थे तो ऐसा लग रहा था सीधा हम नीचे पहुँचेंगे इसलिए। और कैसा रहा इनका ट्रिप बताइए? बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन थक बहुत ज़्यादा गए। अरे थकना तो मतलब ऐसा था कि घर से इतने ज़्यादा निकलते नहीं है, पैदल इतना चलते नहीं, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था हम लोगों के, तीनों लोगों का। हाँ, फर्स्ट टाइम था इतना पैदल चलना। हाँ, इतना तो होता ही। आप देखिएगा ब्लॉग में हम लोग की चढ़ाई बहुत थी, और हम लोग का कैसा है क्या। क्या था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग ना चढ़ रहे थे तो बारिश हो रही थी, तो लग रहा था आप बच भी पाएंगे या भींग जाएंगे ये पता नहीं था, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा रहा। फिर भी काफ़ी ठंडा मौसम था, नहीं थी ना तो सही अच्छा लग रहा था। अच्छा होता तो हम लोग घूम भी नहीं पाते, क्योंकि धूप रहती है तो फिर अच्छा नहीं लगता घूमने में। हाँ, मौसम बहुत प्यारा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, लग रहा था हम लोग पीछे को जा रहे हैं। हाँ, हवा बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ गुरुद्वारा भी है, बहुत अच्छा लगा था। गुरुद्वारा गए थे, वहाँ सेल्फी लेने का नहीं था, पहली बार गुरुद्वारे गए थे। हाँ, हम भी पहली बार ही गए थे, इससे पहले हमने कभी भी, पहली बार फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग। हाँ, तीनों का फर्स्ट टाइम था, काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ। सत श्री अकाल, काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्रसाद वगैरह भी वहाँ पर दिया था, प्रसाद लेके आ गए थे। कड़ा प्रसाद बोलते हैं। अच्छा, हाँ, वो शायद ना उसका बना था, वो हलवा रहता था, है ना, वो पंजाबी लोग लो बोलते हैं ना कड़ा प्रसाद होता है, बहुत टेस्टी था हलवा तो। और वहाँ के जो सरदार जी थे वो बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छे सारी जानकारी दे रहे थे कैसे क्या करते हैं हमारे में पंजाबी में। अच्छा, हाँ, हम तो ना उधर से ले गए थे तो हमें थोड़ी जानकारी नहीं मिल पाई, तो आप लोगों को क्या बताया था उन्होंने? बहुत अच्छे से समझा रहे थे। अच्छा, और हमको ये अच्छा लगा कि बोल बहुत अच्छे से रहे थे, बहुत लोग होते हैं सही से बताते नहीं है, बोलते नहीं है कि। और ये बता रहे थे जैसे हम लोग में बोलते हैं नमस्ते या नमस्कार या हाय हेलो बोलते हैं, उनमें क्या रहता है सत श्री अकाल बोलते हैं। उनका लंगर बहुत अच्छा लगता है खाने में, संडे को मिलता है किले में, संडे को मिलता है खाना। अगर आप आइएगा किला घूमने तो संडे को आइए लंगर खाने। अच्छा, आपने पता दिया था? हाँ, संडे को। अच्छा, संडे कोविड की वजह से ना डेली नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, संडे को मिलता है, जो भी आइएगा लंगर जरूर खाइएगा संडे को। कहीं का भी गुरुद्वारा लंगर बहुत अच्छा खाना रहता है। मेरा नाम है मनु झा, आप देख रहे हैं मनु के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और हम इस समय हैं मथुरा में, और रेलवे स्टेशन से हम आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन से हमने ऑटो लिया, और ऑटो ने जन्मभूमि पे हमें छोड़ दिया। तो हम इस समय हैं मथुरा में, प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में। जैसे कि आप देख सकते हो मंदिर बिल्कुल पास में आ चुका है, और हम रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन से ऑटो वाले 30 रुपये लेते हैं यहाँ आने के। और चलिए हम आपको मंदिर दिखाते हैं, अंदर का बिल्कुल नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे सभी तरह की चेकिंग होती है, और आप पैसे के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते। लगभग 2 से 3 गार्ड आपको यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद आप पे मशीन लगाई जाएगी, तो आप कुछ भी मतलब अंदर ले जाना है नहीं, इम्पॉसिबल है। आप बाहर से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य
मंदिर बना हुआ है, काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी सालों से हम ऐसे ही देख रहे हैं। हम लगभग 3-4 साल बाद आए हैं, इससे पहले भी हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। और ये यहाँ का फर्स्ट गेट है, मुख्य द्वार यही है, और हम इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि पे हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं और एक्सप्लेन करके बताते हैं लौट के जब हम आते हैं। तो चलिए हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं मथुरा के जन्म स्थान मतलब जन्मभूमि पे, और हम सभी लोग हैं जन्म लिए थे वहीं आके बैठे हुए, अंदर से घूम के आए हैं। अंदर तो अलाउ नहीं है कैमरा, इसलिए बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये जलेबी है और ये दही है, ये दही है, ये खस्ता का चावल। सब नाश्ता ले लिया है, नाना जी खाते थे चुरा चुरा के। हाँ ये वही दही है, माखन दही। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे द्वारिकाधीश। आप लोग पहले आइएगा मथुरा, फिर मथुरा में द्वारिकाधीश है, विश्राम घाट है और जन्मभूमि है, यहाँ घूमिएगा। उसके बाद वृंदावन जाइएगा, क्योंकि वृंदावन के लिए ऑटो जन्मभूमि से मिलती है और 30-30 रुपए लगता है एक सवारी का, 30 रुपए ज़्यादा किराया भी नहीं लगता है। हाँ अगर गोकुल जाएंगे तो ज़्यादा किराया है, और राधा कुंड जाएंगे, ये रमन रीति जाएंगे, ये फिर बहुत दूर किलोमीटर के हिसाब से पैसा रहता है। तो अभी क्या है, हम मंदिर अंदर गए थे और मंदिर में घूम के आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट क्या है मोबाइल नहीं ले जा पाए क्योंकि कुछ नहीं ले जाने देते हैं। जैसे कि आपको अगर नहीं होगी जानकारी तो हम बताते हैं, आपको सिर्फ पैसे और आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें बस वही ले जा सकते हो, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं। चेकिंग होता है, ऊपर मशीन से भी चेक करते हैं, और अंदर बहुत कुछ घूमने को है। एक जो गुफा है उसमें अगर आप जाइएगा ना तो बढ़िया, जो मोर की आवाज़ है बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद 10 रुपए का टिकट है, उसमें से भी आधा टिकट ऊपर लग जाता है वो झांकी के लिए, मतलब 5-5 रुपए में हो जाता है। अगर आप झांकी में जाओगे ना तो सभी लीला हैं जो राम भगवान ने जो लीला की थी, जैसे कि वो सब सारी लीला हैं, और कृष्ण भगवान की भी लीला है, नहीं राम भगवान की भी लीला है, नीचे ऊपर कृष्ण भगवान की झांकी का बोल रहे हैं, झांकी में दोनों हैं, और बहुत ही मतलब बहुत सारे गेट बने हुए, और पता जो मतलब लीला जो कर रहे हैं वो सभी कुछ, जैसे कि वो मतलब मोर बोल रहे हैं, जैसे लग रहा रियल में है। हाँ उनके हाथ पैर सब हिल रहे हैं, वो राम भगवान ने वो सबरी के बेर खाए थे, वो सब बेर रखे हुए हैं, कटोरी रखी हुई है, हाँ वो सब कुछ है। बहुत सुंदर लगा था, बहुत अच्छा लगा था, और फिर मंदिर तो बहुत अच्छा है ही, और जस्ट बगल में मस्जिद भी है। हाँ यहाँ पे जस्ट बगल में मस्जिद भी है, लेकिन क्या हुआ हमने प्रसाद लिया था तो हम प्रसाद चढ़ाने वाले थे तो वो नहीं हो पाया, वैसे प्रसाद लेके चढ़ा नहीं सकते थे, वो महाराज जी ने हाथ से लिया और फिर हमने वापस दे दिया, बोले ले जाना घर पे, ऐसा हमने बोला था। लेकिन हम घूमते रहे, हमें थोड़ा आइडिया नहीं था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए हम, तो बंदर ने प्रसाद ले लिया, चढ़ा लिया, वो नीचे गिर गया और बंदर ने ही खा लिया पूरा प्रसाद। और बस बढ़िया है, मंदिर के हम बाहर आ चुके हैं और अभी बैठे हैं, और हाँ यहाँ पे कुछ भी मतलब बंदर बहुत हैं, अपना चश्मा उश्मा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो चश्मा का भी मत लगा के आइएगा, चश्मा ले जाते हैं बंदर पेड़ में बैठ जाते हैं, फिर आपको नहीं मिलेगा ना चश्मा ना आपका फ़ोन। हाँ कुछ भी नहीं मिल सकता, बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पे। और चलिए फिर नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं हम आपको। तो हम अभी जन्म स्थान से निकल चुके हैं, जन्मभूमि से, और हम अभी जा रहे हैं ऑटो के पास, और ये कुछ लगेज है, और ऑटो के पास में जा रहे हैं, फिर यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं विश्राम घाट, और यहाँ पे बताया जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण जो कंस को मार कर आए थे उन्होंने यहाँ पे आके थोड़ा विश्राम किया था, इस वजह से यहाँ का नाम विश्राम घाट रख दिया है। जैसे ही
कंस का वध किया था और वध करने के बाद यहाँ पे आके उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया था, इस वजह से यहाँ का नाम विश्रामगढ़ रख दिया है। और ये भरतपुर वाले राजाओं की हवेली है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए हम आपको विश्राम घाट दिखाते हैं और यहाँ पे क्या क्या है वो सब हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऑटो वाले भैया ये बोल रहे थे कि आप यहाँ से पैदल चले जाओ, हालांकि हम आपको वहाँ पे छोड़ देते लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको वहाँ तक छोड़ नहीं सकते। और फिर यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे हैं, मंदिर वैसे बहुत ज़्यादा हैं, 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं मथुरा वृंदावन में सभी के अगर जोड़े जाएँ तो, ऐसा कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या है भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऑटो थोड़ा आगे नहीं जा सकता, इस वजह से हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ रहा है। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और चल के राइट साइड में पड़ता है। तो चलिए हम विश्राम घाट आपको दिखाते हैं। और जो आपको लेफ्ट और राइट साइड में जो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मतलब लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे एक मंदिर है भगवान जी का, है श्री कृष्ण भगवान जी का है। तो यहाँ पे लोग दर्शन करने आए हैं तो इस वजह से नहा धो के लाइन में लगे हैं, तो काफ़ी वेट करना पड़ता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी तो खैर कुछ नहीं है, समय पर बहुत भीड़ होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक भैया ने बताया कि अपना मोबाइल चश्मा सब चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि मोबाइल अगर खो गया नहीं मतलब वो बंदर ले गया ना तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो फिर आसानी से देने वाला तो है नहीं। अगर वो ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगा तो फिर फ़ोन भी आपका टूट सकता है। तो फूल आ चुके हैं, तो चलिए हम चलते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा, ये है विश्राम घाट और ऐसा दिखता है। और चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। और यहाँ पे बढ़िया सी यमुना मैया जी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यमुना मैया जी जो देख रहे हो आप, ऐसी हैं, बढ़िया जल बह रहा है और यहीं स्नान करते हैं हम सभी लोग। और फिर देखते हैं यहाँ पे जो फूल वाली जो पूजा होती है वो करनी होती है। और फिर देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है, ये नाव वगैरह है, हम भी नाव में बैठेंगे और देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ पे पंडा जी है वो भी मतलब सभी की पूजा करवाते हैं। तो चलिए श्री यमुना मैया की। तो हम अभी आ चुके हैं विश्राम घाट पे और ये है यमुना मैया और हम लोग घूम रहे हैं नाव में। अभी हम लोग तैर भी नहीं, हम लोग उस साइड जा रहे हैं नहाने के लिए, है नहीं? ये देखिए उस साइड हम लोग जा रहे हैं, अभी नहाएंगे फिर पूजा करेंगे। अब धूप आ गई, अभी तो धूप नहीं थी, हल्की निकल रही, कभी उस पार इस पार से उस पार जा रहे हैं, अब यहाँ पे नहाएंगे। वाह, श्री कृष्ण जी विश्राम करते थे और ये यमुना जी है। यहाँ पे आगे कंस का किला भी मिलेगा। अच्छा, कंस का किला हाँ ये इधर मिलेगा ना, ये इधर है ना। वाह कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं। हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग चले जाएंगे तो डूब जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे। क्या ढूंढ रहे हो आप? हम इस साइड आ चुके हैं, अच्छा लग रहा है, इस साइड भी बहुत अच्छा लग रहा है। इधर नहा लो, कह दो तो ये लोग इधर ही नहाने आए। हां नहाने आए, इतने परेशान कर रहे हैं। दीपक ले लो भैया, मेरे पास है। है पहले से दीपक, हमें नहीं पता था, हम लेके आए। देखिए ये रखा हुआ ना, वृंदावन में प्रेम मंदिर के दर्शन करते हैं। और फिर यहाँ पे मंदिर बहुत सारे हैं, देखते हैं कौन कौन के मतलब मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल होता है, क्योंकि मंदिर बहुत है, हर जगह भगवान हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखें। ये है प्रेम मंदिर और प्रेम मंदिर अभी बंद है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी माता मंदिर, फिर लौट के आएंगे, फिर दर्शन करेंगे।
तो हम अभी आ चुके हैं वृंदावन में, और मथुरा से जब वृंदावन आओगे ना आप, वहाँ पे जो प्रेम मंदिर है वहाँ से आपके 10 रुपए लेंगे माँ वैष्णो देवी के धाम के लिए। हाँ, तो आप वहाँ आ जाओगे, फिर वहाँ से आप दर्शन कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, और जस्ट सामने मंदिर है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो लाइन बहुत लंबी है, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। और प्लस मोबाइल कैमरा घड़ी कुछ भी नहीं ले जाने दे रहे अंदर, तो इस चक्कर में अंदर का रिकॉर्ड तो इम्पॉसिबल ही है। और बाकी का आप बताइए, आपको अंदर फ्री में घूमना है, गुफा है अंदर, टिकट उकट नहीं लगता, आधार कार्ड और पैसा, बस दो ही चीज़ ले जा सकते हैं अंदर, और जो इम्पोर्टेंट कागज है आपका वो बस ले जा सकते हैं, और कुछ नहीं ले जा सकते हैं। जो भी आपका सामान है वो अपने जो रिलेटिव जो भी साथ में आए हैं ना उनको दे दीजिए, अथवा यहाँ पे जमा कर दीजिए, तो टोकन देते हैं। घड़ी में भी क्या कहते हैं वो लगी रहती है, कैमरे रहते हैं, इस वजह से अंदर ले नहीं जाने देते। अगर कैमरे से अंदर का दिखा देंगे आप लोगों को। और चलिए हम आपको यहाँ की लाइन दिखा देते हैं और दरवाज़ा दिखाते हैं, इस साइड है, और लाइन कितनी लगी है वो दिखाते हैं बैक कैमरे से। ये फर्स्ट गेट है यहाँ से, और लाइन आप देख रहे होंगे, आपको अगर नज़र आ रही होगी तो लाइन ऐसी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लाइन है। और थोड़ा जूम करके हम दिखाते हैं, ये देखिए ये गेट है, यहाँ से सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, और बहुत बड़ी लाइन है। अगर हम लाइन में लगेंगे तो लगभग 1 घंटा चला जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे सोच रहे हैं यहाँ पे लाइन में लगें या फिर प्रेम मंदिर में जाएं, वो भी मंदिर जो है खुलने वाला ही है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे चल के दर्शन करते हैं राधे कृष्ण भगवान के। और वहाँ